डैडी, क्या हाल चाल है भाई? सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। मेरे हिस्से की बोटी सब साइड पे कर लें, मैं आके खाता हूँ अभी। ओके रेडी बॉयज, रेडी फॉर नमाज। कॉल कॉल ना 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 डांस करते नहीं। जा रहे हैं जी ईद की नमाज पढ़ने। और यहाँ पर तैयारी हो रही है ईद को भरपूर तरीके से मनाने की। और हम लोग जा रहे थे लंच पे अपनी फ्रेंड के घर, उसने जो था वो ईद का लंच अरेंज किया था और मुझे जो था वो आज डिनर अरेंज करना था। इसी तरीके से हम लोग मिल बांट के कर लेते हैं, सो दिन भी थोड़े अच्छे हो जाते हैं और इस तरह के जो हमारे त्यौहार हैं वो भी बहुत ही अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं मिल बांट के। सो बस यहाँ पर लंच की तैयारी हो गई थी और थैंक यू आपको भी। सो यहाँ पर बैठकर हम सब लोगों ने जो है वो ईद का लंच इंजॉय किया। सब कुछ बहुत मज़ेदार बना हुआ था और सबसे मज़े की बात ये होती है कि हम सब मिल बांटकर बैठकर खाते हैं तो इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा भी आता है और इन्हीं चीज़ों में जो है वो बरकत भी होती है। सो ईद जो है वो कोई आम सा दिन नहीं होता कि हम बस उसको इसी तरह सो कर या फिर इधर उधर जा जू कर मना दे, बल्कि ईद जो है वो मिल बांट कर बैठ के खाने का, खिलाने का और इंजॉय करने का नाम है। सो इसको हमेशा ही भरपूर तरीके से इंजॉय करना चाहिए। सो लंच के बाद मैंने करनी है रात के डिनर की तैयारी। सो बस तो ईद डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं फ़िलहाल। यहाँ पे मैंने बिरयानी को दम लगाया हुआ है, साथ में यहाँ पर जो है वो चांपे फ्राई हो रही हैं, उसके बाद स्टेक बनाऊँगी। यहाँ पर जो है वो चिकन टिक्का बन रहे हैं और साथ ही साथ सलाद बन रहा है। और टेबल दिखाती हूँ, टेबल सेट कर लिया है और बकरा ईद का डिनर जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे जो है वो मटन बिरयानी दम लगी हुई है, ये स्टेक अभी मैं इन चांपों के बाद फ्राई करूँगी, साथ ही साथ यहाँ पर बन रहे हैं चिकन टिक्का और ये तीन रेडी हो चुके हैं और तीन जो है वो इसके अंदर अभी रेडी हो रहे हैं और साथ ही साथ मैं काट रही हूँ सलाद। सो आज हमारा जो ईद डिनर है वो कुछ ये है। तो यहाँ पर बस डिनर की तैयारी भी मुकम्मल हो गई थी और यहाँ पर मैं बस सैलेड जो थी वो डिश आउट कर रही थी। और ये जो ईद के त्यौहार होते हैं इनमें जितने भी रिवायती खाने हों उसी में मज़ा आता है, स्पेशली जब बकरा ईद की बात हो और तो फिर बिरयानी जहन में आती है या फिर कलेजी या फिर इस तरह की कोई और चीज़ जो बकरे या गाय से रिलेटेड हो। और यहाँ पर भी हम लोगों ने दोनों नहीं आज बल्कि हमारा मेन्यू भी थोड़ा सा सेम ही हो गया था, हम लोगों ने मटन बिरयानी और चांपे वगैरह की थी, बट ये लिटिल बिट डिफरेंट हो गया। मगर इस तरह के जो त्यौहार हैं हमारे उसमें इसी तरह के खाने जो हैं वो हम सबको ही पसंद होते हैं और इसी को हम लोग भरपूर तरीके से इंजॉय भी करते हैं। खीर जो थी वो मैंने एक रात पहले ही बना ली थी, सो ये वाला व्लॉग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा चांद रात के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी। और अगर किसी को ये फिरनी की रेसिपी फॉलो करनी है तो वो व्लॉग भी आप फॉलो कर सकते हैं। आज का व्लॉग अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड आई होप कि आप सब लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी क्योंकि हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। सो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ एंड सबको ईद मुबारक।